देखिए एक्चुअली आज मैं वैसे 3 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा या नहीं जाएगा आई डोंट नो, ये आपको टेलीग्राम में जरूर शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो इसके लिए दो नोटिफिकेशन आए आज, एक सैलरी का आया है, एक ये आया कि इसके लिए अप्लीकेशन दे सकते हैं क्या सर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में। तो देखो ये अप्लीकेशन आप इसके बारे में बात करनी होगी, क्योंकि देखो मैं बाहर आया हुआ हूँ ना, तो आपको खुद जा कर बात करनी पड़ेगी दोस्तों, वरना मैं बात करके कन्फर्म करके बता भी देता, ठीक है। तो इनकम मोर देन 3 लाख एज पर फैमिली आईडी केस रिजेक्टेड, 3 लाख से ऊपर ज़्यादा इनकम दिखा दी गई है इसलिए आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। रिमार्क्स में साफ साफ लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी कैंडिडेट रिजेक्ट फ्रॉम असाइनमेंट ऑन रिवर्क जो भी सिस्टम है, इसका मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। और ये है, अब सॉल्यूशन है तो बता दो सर, अब फैमिली आईडी सही करवा ली है, अपडेट हुई है या सक्षम पोर्टल पर? देखो अपडेट होगी इसके बारे में, आपकी फैमिली आईडी पूरी अपडेट होगी, तो अब आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जा करके पूछना चाहिए। देखो अब इसके सिस्टम मेरे को पता नहीं खुद ने, और मैंने अभी तक तो पूछा है नहीं, पूछने के बाद मैं आप लोगों को बता पाऊंगा, लेकिन मैंने पूछा नहीं अभी तक। किसी ने पूछ रखा हो, कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जा करके कुछ ऐसा सिस्टम समाधान किया हो किसी भाई ने, तो मुझे मेल करके ज़रूर बताना, ठीक है। मैं ताकि सभी लोगों को बता दूंगा कि भाई इस भाई ने पूछा, ये बोल रहा है, ठीक है। मैंने अभी तक पूछा नहीं है, मैं अपने दिल से बता रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी जा करके पूछूंगा मैं, ठीक है, वापस जाऊँगा जब हरियाणा में। ओके, कोई सॉल्यूशन है सर इसका, क्या एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अप्लीकेशन दे सकते हैं? अच्छा, अब सही करवा ली फैमिली आईडी आपकी सही होगी, लेकिन इससे पहले आप रिजेक्ट होगी, अब सही हुई ना आपकी, समझ रहे हो ना? वो एक नहीं होता, आप बचपन से मुहावरा सुनते आए थे कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो वही बात है, आपकी ठीक करवाने से पहले आईडी रिजेक्ट हो चुकी थी, वही वाली बात है। तो ठीक है, अब आपको इसके लिए एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाना पड़ेगा। बेसिकली हो सकता है कि आपसे एक वो अपील लगवाएं या कैसे लगवाएं, अपील तो फॉर्म गलत होने से लगती है, रिजेक्ट हो गया। देखो अब आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाने से ही समाधान मिल जाएगा, मेरे हिसाब से मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मिस प्रिंटिंग भी मतलब हो जाती है, कई बार मिस्टेक भी हो जाती है बच्चों से। ओके, नेक्स्ट है हिमांशु लॉयल, क्या बोलते हैं भाई, ये क्या है बताइए जरूर। देखो हिमांशु जी, आप हमारी वीडियो नहीं देखते, इसके ऊपर मैं लगातार दो दिन वीडियो बनाई मैंने, आईडी कैसे खोलते हैं, अब वीडियो नहीं देखते तो मैं क्या बताऊँ स्पेशल? अब आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूँ तो आप बताइए, मैं वो काम भी कर दूँगा, आप मुझे बताइए आपको लिए क्या करना है, ठीक है। इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, आप पिछली वीडियो 2-3 की वीडियो देख लीजिए, आपको मैंने बता रखा कैसे खोलनी है आईडी बिल्कुल। और ये इससे पहले एक वीडियो भी बताई थी मैंने 4-5 दिन पहले कि ये अनसेफ है, लेकिन आप इस तरह से खोल सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा ये साहब क्या कर रहे हैं कि भाई मेरी पीपीपी आईडी में पहले इनकम 44,000 थी, बट अब जो अच्छा जब स्कूल वाले वेरिफिकेशन कर रहे थे तो गलती से 5 लाख कर दी, अब क्या करूं भाई? रिजेक्ट होने के माई है, कदे भी हो सकता है, अपने आप डाटा फैच हो जाएगा सिस्टम का, जैसे कि टेलीग्राम पर नहीं होता, आप किसी के पास मैसेज सेंड कर देते हैं और कुछ मिस प्रिंटिंग से मैसेज सेंड कर देते हैं, बाद में आप एडिट कर देते हैं, वो एडिट किया उसके पास अपने आप पहुँच जाता है, एडिट हुआ दिखेगा वो, तो जैसे ही आपने 5 लाख करी तो एडिट हुई उनके पास पहुंच जाती है, और एडिट हुई जैसे ही पहुंच गई उनके पास ऑटोमेटिकली और रिजेक्शन लिस्ट में डाल देता है वो। कुछ कमांड ऐसी दी जाती हैं जो कि ये अपने आप फैमिली जैसे नहीं होता है हर चीज़ की कि भाई कुछ कट होते हैं, जैसे लाइट स्टेबलाइजर होते हैं अपने 300 से ऊपर चलेगी तो लाइट ऑटोमेटिक कट मार देगा, तो वैसे ही इस सिस्टम का भी यही सिस्टम है कि अगर आपकी सैलरी जो इनकम है 3 लाख से ऊपर गई तो आपको आपकी जो सक्षम आईडी कट मार देगा, तो आप रिजेक्शन लिस्ट में चले जाओगे, कुछ ऐसा आई थिंक एग्जांपल सही दिया हो मैंने, ठीक है। जल्दी अपने ठीक करवा लो, ठीक है। सैलरी नहीं आई अभी तक जुलाई मंथ की, आईडी ओपन नहीं हो रही है, ऐसे आ रहा है, प्लीज़ टेल मी भाई ये कहाँ से क्या है, कहीं रिजेक्ट हो क्या, क्या भेजा हुआ है? देखो आप भी वीडियो नहीं देखते, ठीक है, मोनिका अरोड़ा, आप वीडियो नहीं देखते, वीडियो इसके बारे में मैंने 3-4 दिन लगातार बताया है आईडी ओपन कैसे करते हैं। देखो सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी अपनी वीडियो देखे तो पूरी वीडियो देखा करो, ताकि आप लोगों को मैं जो मेरी पूरी वीडियो देखता ना उसको मैं कोई क्वेश्चन पूछने के लिए मतलब ऐसे नहीं छोड़ता कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ स्टार्टिंग में कुछ नई चीज़ें एकदम चलनी साइट बंद हो गई तो बहुत सारे बच्चों की मेल आ गई थी एकदम में, उसी दिन मैंने आईडी खोल के बता दी कि आप ऐसे आईडी खोल सकते हो। अब तो आईडी वैसे भी खुल रही है, पहले तो बहुत ज़्यादा अनसेफ चल रहा था, अब तो बेस्ट बिड़ते ही खुल रही है आईडी, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, आप बोलो तो एक और बनाऊँगा, बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अच्छा आई एम शेयरिंग इमेज, अच्छा इसके बारे में दोस्त मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, आपके बारे में दिक्कत थी, ठीक है। ओके भाई सुमित कैथल पीजी वालों का अक्टूबर का भत्ता आ गया है आज, ठीक है भाई, ये देख लो भत्ता भी आ गया है 4/2/2021 को,
ठीक है, एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग बिल आप लोग देख सकते हो, ये 3,000 रुपये आ गया है, आप लोग देख लो। ठीक है, ये जो भेजा है कल्याण बलविंदर जी ने, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। क्योंकि देखो ये मेरे को इसी सिस्टम अभी चल रहा है, सेंट लिस्ट अभी लगी नहीं है, क्योंकि पहले जन्म देखो 21 से लेकर के 30 तक सैलरी का प्रोसेस स्टार्ट होता है, इनका सैलरी का प्रोसेस अभी ख़त्म हुआ नहीं, और सेंट लिस्ट अभी तक लगी नहीं है, तो ये पहले अपने सैलरी का प्रोसेस जो है कम्प्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सेंट लिस्ट तो लग जाएगी इनको, बस एक छोटी सी वो करनी होती है, अपडेट करनी होती है, सेंट लिस्ट अपने आप लग जाएगी। ठीक है, लेकिन अब सैलरी ये नहीं है कि 21 के बाद ही आएगी, नहीं, अब की बार किसे पहले आएगी, मतलब अभी आज तो देखो अब सैटरडे संडे हो जाएंगे, उसके बाद सोमवार को सैलरी आने के पूरे पूरे चांस हैं आपके, पहले बता रहा हूँ, देख लेना। ठीक है, सोमवार को सैलरी मैं दिखा दूँगा कौन कौन साथी सेंड पक्का करेगा। ठीक है, और ये देखो पीजी वालों को सेंड की है, अक्टूबर का बताया, कथल वालों का, तो कथल वालों का ये तो है नहीं कि कथल में ये बलविंदर जी अकेले हैं, बच्चे तो और भी हैं, लेकिन सेंड नहीं करते तो मैं क्या करूँ बताऊँ। हो सकता है कि कोई और डिस्ट्रिक्ट की सैलरी आई हो, उसे सेंड नहीं की हो, मान लो बलविंदर जी आज बिजी होते, इन्होंने सेंड नहीं की, तो किसका मतलब कहते कि सैलरी आई नहीं, आई है ना, तो इसलिए भाई सैलरी आती है, हमें पता नहीं लगता। ठीक है, अब मैं हर डिस्ट्रिक्ट से ऐसे तो पूछ नहीं सकता कि आपने सैलरी भेज दी, या हर बात पे वो मेरे को क्यों बताएंगे, मैं उनका क्या लगता हूँ, समझ रहे हो ना, आप ही बताओगे ताकि मैं सभी बच्चों को बता सकूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेल किया करो, मेल मैंने टेलीग्राम पे बता रखा है, टेलीग्राम पे मेल आईडी मैंने डाल रखी है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, sumitshoran84@gmail.com। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, और बताओ क्या बताऊँ। आज की वीडियो ख़त्म, आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके दोस्तों, बाय बाय।